सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। दिल्ली में 20वें नेशनल मैनेजमेंट समिट 2019 का आयोजन हुआ। हर साल की तरह अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े दिग्गजों को टॉप रैंकर्स एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए। ये प्रतिष्ठित अवार्ड्स भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने दिए। वहीं समिट में आए दिग्गजों ने अपने विचार रखे। कंसल्टेंसी हाउस टॉप रैंकर्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स ने दिल्ली में 20वां नेशनल मैनेजमेंट समिट आयोजित किया। ली मेरिडियन में आयोजित इस समिट का विषय रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ यानी संधारणीय विकास के लिए बड़े कदम उठाना रहा। बता दें कि MH1 न्यूज इस समिट का मीडिया पार्टनर रहा। 20th नेशनल मैनेजमेंट समिट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है और मेरे साथ मिस्टर संदीप मारवा जी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर, मैं इस जो समिट में जो भी डिस्कशन हुआ, किस तरह से आप समझते हैं ये यंगस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और जो वैल्यूएबल है? देखिए, ऐसे मैनेजमेंट समिट होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैंने हमेशा इस बात का विश्वास किया है कि जब तक कि इंडस्ट्री इंटरफेस नहीं होगा तब तक कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो आज की डेट में आगे नहीं आ सकता, क्योंकि एक किताबी नॉलेज है और एक जो हकीकत में बाजारी नॉलेज है। क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बाद जैसे ही स्टूडेंट बाहर बाज़ार में काम करने के लिए निकलता है तो हालात बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, और बच्चे को स्टूडेंट को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मुझे बाज़ार के बारे में पूरे मैनेजमेंट के बारे में जो हकीकत हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर वो बताया नहीं गया। तो उसके लिए सबसे अच्छी जो सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि इंडस्ट्री इंटरफेस किया जाए। वो भी दो तरीके से होता है। नंबर वन, एक या तो आप बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोगों को अपने मैनेजमेंट स्कूल में बुलाते रहिए, या जो ऐसी समिट्स होती हैं इनमें अपने स्टूडेंट्स को भेजते रहिए। तो जो लोगों की विचारधारा होगी, सोच होगी, जो उनकी काबिलियतें होंगी, जो उनके ज़िंदगी के एक्सपीरियंस होंगे, जब वो ऐसे सेमिनार्स के अंदर बाँटते हैं तो वहाँ से जो है एक नई नॉलेज पैदा होती है, नई उपज पैदा होती है, नई सोच पैदा होती है। दो दिवसीय सम्मेलन में कॉर्पोरेट्स और शैक्षणिक संस्थाओं से जाने माने वक्ताओं को बुलाया गया। इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया संजीव सान्याल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन और MD अतुल सोबती, मेट्रो टायर्स के MD रूमी छाबड़ा, पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम सिंह चीफ गेस्ट रहे। इस मौके पर CEO ऑफ द ईयर, कंपनी ऑफ द ईयर, नेतृत्व उत्कृष्टता, महिला नेतृत्व भूमिका समेत कई अहम क्षेत्रों में बेहतर काम के लिए दिग्गजों को सम्मानित भी किया गया। 20 साल से टॉप रैंकर्स मैनेजमेंट क्लब के संस्थापक VSK सूद ने सभी का स्वागत किया। वहीं अलग अलग क्षेत्रों से आए दिग्गजों ने अपने विचार साझा किए, साथ ही सभी ने इस समिट को सराहा। सूद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि हर साल इसका ऑर्गेनाइज किया जाता है इस समिट को, तो कितना रिलेवेंट है ये यूथ्स के लिए, कितना रिलेवेंट है आज के टाइम के लिए? वो देखिए, हम हमेशा ऐसे ही सब्जेक्ट लेके चलते हैं जो बड़े करंट हैं और जिस पर विचारधाराएं चल रही हैं। मैनेजमेंट इश्यूज आते हैं, लोगों को अपडेट कर पाते हैं हम इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसे राव साहब ने भी कहा, अच्छे बेस्ट ऑफ दी स्पीकर्स ऑफ द कंट्री अपने विचारधारा को आगे लेके आते हैं। तो हमारा जो ध्येय है वो दैट इज़ टू इंश्योर दैट दी ऑल डेवलपमेंट्स इन द मैनेजमेंट विच आर हैपनिंग रेवोल्यूशनरीली वे दे शुड बी गिवन टू द पीपल अराउंड सो दैट दे कैन बी मोटिवेटेड एंड दे कैन एनहेंस देयर स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स। तो वो हमारा मकसद है, टू एजुकेट, टू मोटिवेट, टू इंश्योर दैट द नॉलेज इज स्प्रेड एंड पीपल आर अपडेट। अब मेरे साथ फ्लड लाइट्स मीडिया सॉल्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर है निखिल कपूर, और उनको आज जो अवार्ड मिला है उसके बारे में जान लेते हैं। एक बेस्ट अवार्ड जिसे कह सकते हैं, इससे पहले भी आपको कई सारे इस तरह से अवार्ड मिलते होंगे, आज क्या स्पेशल रहा? आज का अवार्ड काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज इसको अचीव करने में हमें 3-4 साल लग गए। वी हैव बीन एसोसिएटेड विद नेशनल मैनेजमेंट समिट
तीन सालों से, एंड ये अवार्ड मैं डेडिकेट करूँगा अपनी टीम को फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इस चीज़ को अचीव करने में काफ़ी डेडिकेटेडली वी हैव टू वर्क डे एंड नाइट, और डिजिटल मार्केटिंग में आपको भी पता है कि कितना कॉम्पिटिशन है. सो दिस इज़ टोटली डेडिकेटेड टू माई टीम फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड स्पेशल थैंक्स टू सूत सर जो ऑर्गेनाइजर है नेशनल मैनेजमेंट समिट के, और लास्ट 20 ईयर से डेडिकेटेडली वो इस समिट को चला रहे हैं, और इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म टू बी वेरी फ्रैंक. और इस समिट में जो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है कि यहाँ पे ना केवल लीडर्स को अवार्ड दिया जाता है, लेकिन अब से यहाँ पे जो यंग टैलेंट है, हमारा जो फ्यूचर है इस देश का, उसको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो आके अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपने यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करें और अवार्ड जीतें. थैंक यू सो मच निखिल. और तो साफ तौर पर ये जो समिट है उसका जो थॉट है, इसके पीछे जो सोच है, वो काफ़ी अहम है और काफ़ी आगे तक जाने वाली है, ये ज़रूर है. कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ मैं प्राची शर्मा, MH1 न्यूज़.